समाचारों में आपनुं स्वागत छे। हूँ छू यश भट्ट। आपनी साथे महत्वना समाचार। उज्ज्वला अने मुद्रा योजनाना लाभार्थीओ बाद आजे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देशना खेडूतो साथे सीधी वातचीत करवाना छे। थोड़ी ज क्षणोमां आ संवाद शुरू थवा जई रह्यो छे, जे सीधो अमे आपने बताविशुं। पीएम मोदी नमो एप द्वारा देशना खेडूतोनी साथे सीधो ज संवाद करवाना छे। तातनी वात तो आपणे करी ज रह्या छीए, जी 24 कलाक पर तातनी वात थाय ज छे, परंतु अत्यारे तात साथे सीधी वात पीएम करवाना छे। समग्र देशभरना खेडूतो साथे नमो एपनी मददथी पीएम मोदी सीधी वात करवाना छे, सीधा खेडूतो साथे जोड़ावाना छे, अने आ समये तेओ देशना खेडूतोनी स्थितिने जाणवाना छे। केन्द्रनी विविध योजनाओनी जानकारी पण तेओ खेडूतोने आपशे। पीएम मोदी अने खेडूतो वच्चे आ वातचीतनुं कृषि विज्ञान केन्द्रो, जनसेवा केन्द्र अने दूरदर्शन तथा डीडी किसान चेनल पर प्रसारण थई रह्यो छे। मेरे लिए खुशी की बात है कि आज मुझे देश भर के 600 जिलों के कृषि विज्ञान केंद्र केवीके एवं देश के विभिन्न गांवों में स्थित 2,00,000 कॉमन सर्विस सेंटर पर जो हमारे किसान भाई बहन मौजूद है, जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे उनके अनुभव जानने का, उनकी बातें सीधे सीधे सुनने का एक दुर्लभ अवसर आज मुझे प्राप्त हुआ है। आप समय निकाल करके आए, एक उत्सव का माहौल बना करके बैठे हैं, और मैं यहां मेरे टीवी स्क्रीन पे देख रहा हूं आपके चेहरे की मुस्कान, आपका उमंग उत्साह, मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिवस है। आज किसान हमारे अन्नदाता हैं, वे लोगों को भोजन देते हैं, पशुओं को चारा देते हैं, सारे उद्योगों को कच्ची सामग्री देते हैं, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का पूरा श्रेय हमारे किसान भाइयों और बहनों को जाता है। भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो, इसके लिए हमारे किसान भाइयों बहनों ने अपना खून पसीना एक कर दिया, लेकिन समय के साथ किसान का अपना विकास धीरे धीरे सिकुड़ता चला गया। शुरू से ही देश के किसानों को उनके नसीब पर छोड़ दिया गया। हर सोच को बदलने के लिए एक निरंतर प्रयास की जरूरत थी, वैज्ञानिक प्रयास की जरूरत थी, प्रगतिशील किसानों को आगे लाल करके किसानों के बीच में बदलते हुए युग के अनुसार बदलाव के लिए प्रयास करने की जरूरत थी, लेकिन उस काम में हमने बहुत साल विलंब कर दिया। पिछले 4 सालों में हमने जमीन के रखरखाव से लेकर के उत्तम क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के बीज तैयार हो, किसानों के लिए प्राप्त हो, बिजली पानी से लेकर के बाजार उपलब्ध कराने तक एक संतुलित और व्यापक योजना के तहत कार्य करने का हमने भरसक प्रयास किया है। और हमने तय किया कि 2022 तक देश के किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है, किसानों को साथ लेकर के आगे बढ़ना है, सरकार की पुरानी नीतियों में बदल करके आगे चलना है, जहां जहां कठिनाई है उन दूर कर करके आगे बढ़ना है, जहां जहां पर रुकावटें हैं उसको खत्म करके आगे बढ़ना है,
और जब हमने किसानों की आय दोगुनी करने की बात की तो बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया, ये तो संभव नहीं है, ये तो मुश्किल है, ये कैसे हो सकता है, निराश करने का एक वातावरण बना दिया। लेकिन हमने तय किया, देश के किसान पर मेरा भरोसा था, अगर हमारे देश के किसान के सामने कोई लक्ष्य रखा जाए, आवश्यक वातावरण पैदा किया जाए, बदलाव लाया जाए, तो मेरे देश का किसान रिस्क लेने को तैयार है, मेहनत करने को तैयार है, परिणाम लाने को तैयार है, और भूतकाल में उसने करके दिखाया है। हमने इसे पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया और उस दिशा में आप सबको, किसानों को साथ लेकर के आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास चल रहा है। इस काम को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से चार बिंदुओं पर बल दिया जा रहा है। पहला है, किसान को जो लागत आती है, कच्चे माल की लागत आती है, वो कम से कम कैसे हो। दूसरा, वो जो पैदा करता है, जो उपज करता है, उसका उचित मूल्य मिले। तीसरा, किसान जो पैदा करता है, जो उपज करता है, उसकी बर्बादी रुक जाए। और चौथा, किसानी के उपरांत आमदनी के लिए वैकल्पिक स्रोत तैयार हो। देश के किसानों को फसलों की उचित कीमत मिले, इसके लिए इस बार के बजट में सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। सरकार ने तय किया कि अधिसूचित फसलों के लिए एमएसपी उनकी लागत का कम से कम 1.5 गुना घोषित किया जाएगा। इसमें बहुत सारी चीजों का समावेश किया गया है और मैं आपको बताता हूं, एमएसपी के लिए जो लागत जोड़ी जाएगी उसमें दूसरे श्रमिकों के परिश्रम का मूल्य जोड़ा जाएगा, मवेशी और मशीन पर जो खर्च किया जाएगा वो भी जोड़ा जाएगा, बीज और खाद्य का जो खर्च होगा वो भी जोड़ा जाएगा, सिंचाई का खर्च भी जोड़ा जाएगा, राज्य सरकार जो जो लैंड रेवेन्यू देते हैं वो भी जोड़ा जाएगा, वर्किंग कैपिटल पर जो ब्याज देना पड़ता है वो भी जोड़ा जाएगा, लीज ली गई जमीन के लिए दिया गया किराया भी उसमें जोड़ा जाएगा। ये सब एमएसपी में शामिल है। इतना ही नहीं, किसान जो अपनी मेहनत करता है और उसके परिवार के सदस्य जो मेहनत करते हैं, उस मेहनत का भी मूल्य निर्धारित करके लागत के अंदर उसको भी जोड़ा जाएगा और उसके आधार पर एमएसपी तय किया जाएगा। कृषि के लिए सरकार बजट में एक निश्चित फंड आवंटित करती है। पिछली सरकार के 5 वर्षों में कृषि के लिए बजट आवंटन 1,21,000 करोड़ रुपए का था, जिसे 2014-19 के लिए बढ़ाकर करीब करीब हमने इस 5 साल के लिए इसको 2,12,000 करोड़ कर दिया, यानी करीब करीब कृषि के लिए बजट डबल कर दिया। यह किसानों के कल्याण के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को साफ साफ दिखाता है। आज देश में न सिर्फ अनाज का बल्कि फल, सब्जियां और दूध का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। हमारे किसान भाइयों ने पिछले 70 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। पिछले 48 महीनों में कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। वर्ष 2017-18 में
खाद्यान्न उत्पादन करीब करीब 280 मिलियन टन से अधिक हुआ है, जबकि 2010 से 2014 तक पिछली सरकार के दरमियान एवरेज औसत वो 250 मिलियन टन के आसपास रहा था। इसी तरह दलहन के क्षेत्र में भी औसत उत्पादन में 10.5% एवं बागवानी के क्षेत्र में 15% यानी कि 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। ब्लू रिवॉल्यूशन या नीली क्रांति के अंतर्गत मछली पालन के क्षेत्र में 26% वृद्धि हुई है, तो दूसरी ओर पशुपालन व दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में करीब 24% की वृद्धि हुई है। हमारा प्रयास है कि किसानों को खेती की पूरी प्रक्रिया में हर कदम पर मदद मिले, यानी बुआई से पहले और बुआई के बाद भी और फसल कटाई के बाद भी। सीधे तौर पर कहें तो फसलों के तैयार होने से लेकर बाजार में उसकी बिक्री तक, यानी बीज से लेकर बाजार तक सरकार कैसे मदद रूप हो सकती है, कैसे सुविधा बढ़ा सकती है, कैसे किसान को न्याय दिला सकती है, इसके लिए निर्णय किए जा रहे हैं, योजनाएं बनाई जा रही हैं। किसान कल्याण के लिए एक पूरी व्यवस्था बने, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बुआई से पहले किसान यह जान पाए कि किस मिट्टी पर कौन सी फसल उगानी चाहिए, उसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड शुरू किया गया। एक बार जब ये पता चल जाए कि क्या उगाना है, तो फिर किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज मिले और पूंजी की समस्या से गुजरना न पड़े। इसके लिए किसान ऋण व्यवस्था की गई, किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा बढ़ाया गया। पहले खाद के लिए लंबी लंबी कतारें हुआ करती थी, लेकिन अब किसानों को यूरिया और अतिरिक्त खाद लेने के लिए वो आसानी से प्राप्त हो रहा है, काले बाजारी नहीं करनी पड़ रही है। आज किसानों के लिए 100% नीम कोटिंग वाला यूरिया देश में उपलब्ध है। बुआई के बाद जरूरत होती है सिंचाई की। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आज देश भर में करीब करीब 100 सिंचाई परियोजनाएं पूरी की जा रही हैं। हर खेत को पानी मिले, इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। किसानों को फसल में किसी भी तरह का जोखिम ना हो, इसके लिए आज फसल बीमा योजना है। फसल कटाई के बाद जब किसान का उत्पाद बाजार में पहुंचता है, उसमें उसे अपने उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई नाम शुरू किया गया है, ताकि किसानों को अपनी उपज का पूरा पैसा मिल सके। और सबसे बड़ी बात कि अब बिचौलिए किसानों का प्रॉफिट हजम नहीं कर सकते, मार नहीं खा सकते, कटकी नहीं कर सकते। आइए देखते हैं इन योजनाओं से हमारे किसान भाई बहनों को क्या लाभ मिला, उनके जीवन में क्या बदलाव आया, और उन्हीं के मुंह से सुनेंगे, उन्हीं के अपने अनुभव से सुनेंगे, तो शायद और देश के किसानों को भी एक अवसर मिलेगा कि हां,
अगर वहां का किसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। आज मेरे सामने सबसे पहले छत्तीसगढ़ के कांकेर, जो कि आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां के हमारे कुछ किसान भाई बहन मेरे सामने हैं। मैं सबसे पहले कांकेर के किसान भाइयों से उनकी बात, उनके अनुभव, उनकी उत्साहजनक बातें सुनना चाहता हूं। नमस्ते जी। हाँ, कांकेर के भाई बहन बताइए, किसान वहां के। जय जोहार सर। जय जोहार। मैं श्रीपति चंद्रमणि कौशिक, ग्राम पोस्ट कलारपुरी। क्या शुभ नाम? चंद्रमणि कौशिक सर। चंद्रमणि जी, हाँ बताइए जी। ग्राम पोस्ट कन्हारपुरी, जिला कांकेर की रहने वाली हूँ। और हम लोग पहले दो एकड़ में धान लगाते थे सर, उसमें ज़्यादा हम लोग को बेनिफिट नहीं मिलता था, मतलब 15 से 20 हज़ार हमको आमदनी होता था और हमारे परिवार को उसमें संतुष्टि नहीं होता था। और फिर हम लोग बाद में गांव में 10-15 महिला मिल के एक समूह जोड़िए, उसमें कांकेर में छीता फल बहुत अधिक, जिसे दिल्ली में शरीफा के नाम से जाना जाता है सर, और हम उसी प्रोजेक्ट पर काम करने लगे। तो भी कोचिया लोग वहाँ 25 किलो छीता फल को 60-50 में हमको ठग के ले जाते थे। फिर हम लोग आत्मा कृषि, आत्मा परियोजना से हम लोग जुड़े। उसके बाद हम लोग को जो 50 रुपये मिलता था, उसमें हम लोग अभी सीधा 700 रुपये मुनाफा कमाते हैं सर। और इसी तरह हमारे साथ में अभी 300 महिलाएं जुड़ी हैं, और हम लोग को आत्मा परियोजना से फल तोड़ाई, ग्रेडिंग और बाक्स में छीता फल भर के ले जाते हैं रायपुर में बेचने के लिए सर। और जो पल्प मशीन है, और मेरे साथ और भी मेरे ग्रुप के साथी महिलाएं हैं, उधर पल्पिंग मशीन है सर, और ये हमारा पल्प है, हम लोग पल्प निकालने का भी काम करते हैं सर। आइसक्रीम बनाने का ट्रेनिंग दिए हैं, ये हम लोग का आइसक्रीम भी है सर। आप दूर में हो सर, नहीं तो फिर हम आपको टेस्ट भी करा लेते हैं। चंद्रमणि जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई? 8वीं सर। 8वीं कक्षा थी? और आप इतना बढ़िया बोल लेती है, बीच बीच में अंग्रेजी शब्द भी बोल लेती है। ये सीताफल भी लेके बैठी है क्या आप, कि वो बॉक्स है? बॉक्स है सर, इसी में ले जाते हैं रायपुर दुर्ग भिलाई सर। हाँ, और पहले की तुलना में आय कितनी बढ़ गई आपकी? अभी दोगुनी हो गई है सर। अच्छा, और जो महिलाएं आपके साथ काम कर रही है, उनकी आय भी बढ़ गई होगी? जी सर। देखिए, मैं किसान भाइयों में ये दिखाता है कि मूल्य वृद्धि से, वैल्यू एडिशन से, जो पहले माल जैसा होता था वैसा बाजार बेचते थे तो कितना नुकसान होता था, और थोड़ा सा पैकेजिंग बदल दिया, सीताफल में और कुछ व्यवस्थाएं जोड़ दी, किसी ने आइसक्रीम बना दिया, देखिए किसानों को कितना लाभ मिलता है जी। और इसलिए और उनकी आय भी बढ़ी। चंद्रमणि तो 8वीं कक्षा की पाठ है, कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उसके बाद भी आपने देखिए कितने विश्वास के साथ बात कर रही है। आइए किसी और से भी बात करते हैं, चंद्रमणि की तरह और भी किसी का अनुभव होगा। भैया जी प्रणाम, मैं आसाराम लेता हूँ। जय जोहार जी। प्रणाम भैया, मैं ग्राम व्यवर्ती का किसान हूँ, आसाराम नेताम, कांकेर विकासखंड कांकेर। हाँ बताइए सर। मैं जी सर, मैं पहले मेरे पिताजी के साथ 4 एकड़ जमीन में खेती करते थे, मात्र धान का फसल। इसे सर हम लोग कृषि केवीके के संपर्क में आके और कृषि विभाग और मत्स्य विभाग में आकर समेत खेती शुरू किए, जिससे हमारा आय हुआ सर। जैसे 4 एकड़ में हम 60 से 70 हज़ार रुपये कमाते थे, और समेत खेती से जैसे मछली पालन और गाय पालन और हॉर्टिकल्चर से पौधा जो तालाब के मेड़ में जो रोजगार गारंटी के तहत सर हमको 3 लाख रुपया सब्सिडी मिला था, और उससे हमारा आय 5 से 6 लाख रुपया हुआ है। जी, जिससे हमारा परिवार खुशहाल है सर, और हमारे सम्मानित खेती को देखकर आसपास के गांव वाले लोग भी सम्मानित खेती करना चाह रहे हैं। यानी आपने खेती के उपरांत दूध का काम किया, मछली का काम किया, गवर्नमेंट से 3 लाख रुपया मिला,
आपका स्किल डेवलपमेंट हुआ, इन सब का मिला करके आपकी आय इतनी गुना बढ़ गई जी। तो और भी किसान आपको पूछने आते हैं क्या, सीखने आते हैं क्या अगल बगल के? जी सीखने आते हैं, 7 से 8 गांव वाले सब सीखने आ रहे हैं, लगभग 70 से 80 किसान आ चुके हैं सर। उनको फायदा हुआ? जी फायदा हो रहे हैं सर। देखिए यही सबसे बड़ा काम नेताम जी आपने किया है, और मैं मानता हूं कि आपका प्रयास यही हमारे यहां कहते हैं ना, बहुत हाथों से जब काम होता है तो बड़ा परिणाम आता है। चलिए और भी किसी से सुनेंगे, आपके इलाके में कौन है? सर प्रणाम सर, मेरा नाम सर, मेरा नाम चित्र सिंह सोनकर, ग्राम लारगांव, जिला कांकेर का किसान हूँ सर। सर पहले मेरे पास 7 एकड़ जमीन है सर, जिसमें धान का एक फसल का खेती करते थे सर। 1 एकड़ सिंचित था सर उस समय, तो कृषि विज्ञान केंद्र के मार्गदर्शन में सर अपने गांव में 30 किसानों को सर 8 सिंचाई पंप मिला, जिससे लगभग 45 एकड़ सिंचित एरिया हो गया सर। ओहो जी सर, उसमें सर मक्का और सब्जी का खूब उत्पादन लेने लगे सर। उस समय अपन मोटरसाइकिल से ले जाते सर, बाजार जाते थे, और अपने गांव में अभी 3 लोडिंग ऑटो हो गए सर, जिससे बाजार जा रहे हैं सर। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत 4 एकड़ में ड्रिप लगाए सर अपन, जिससे उत्पादन अपना सर। कितना समय हो गया ड्रिप लगाए, कितना समय हो गया? 2015 में लगाया हूँ सर। और सरकार की तरफ से कितना पैसा मिला? 70% मिला सर सब्सिडी। अच्छा, लेकिन आप उसको बराबर ड्रिप चल रहा है कि उसमें भी अब गड़बड़ हो रहा है? नहीं सर, बराबर चल रहा है सर। इस साल खूब फसल लगाया था, तरबूज लगाया था सर 1.5 एकड़ में, 1.5 लाख का हुआ सर जी सर। हाँ, तो कहाँ बेचते हैं सर? सर वो धमतरी मंडी ले गए सर, आधा 24 टन कुछ निकला सर। धमतरी में जाता है माल सारा जी। और पहले कितना कमाते थे, अब कितना कमाते हो आप? सर असिंचित भूमि में सर अपने पास 1,20,000 कुछ हो जाता था सर पहले। हाँ? अभी 6-7 लाख रुपए हो जा रहे सर आमदनी साल भर के। मतलब मैं तो 2 गुना की बात करता हूँ, आपने 2-3 साल के अंदर 6-7 गुना कर दिया। वाह, देखिए ये ताकत पड़ी हुई है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि छोटा सा प्रयास, मेरे देश भर के किसान भाई सुन रहे हैं, देखिए सोनकर जी जैसे बिल्कुल छोटा जमीन का टुकड़ा है, कितना बड़ा काम करके दिया है। आइए मैं किसी और से भी बात करना चाहूंगा, क्योंकि बड़े उत्साही अनुभव है छत्तीसगढ़ के कांकेर के। नमस्कार देश के प्रधानमंत्री जी साहब, बंदगी जय जोहार। जय जोहार, जय जोहार साहब की बंदगी। जय जय जोहार, जय जोहार। मेरा नाम चोराम साहू, मैं ग्राम चोर भट्टी विकास खंड क्रूद धमतरी जिला का किसान हूँ सर। मैं ई नाम के नाम से मैं धान विक्रय करने के लिए मंडी में पहले ले जाता था सर, तो व्यापारियों के द्वारा मतलब बोली लगाता था, उसमें बहुत कम रेट मिलता था सर। आपके योजना से मेरे को जो बोली लगता है व्यापारी द्वारा कंप्यूटर से, उसमें मेरे को पहले जो बोली धान बेचता था उसमें 60-70 हज़ार का आमदनी होता था सर, और अभी जो धान बेच रहा हूँ कंप्यूटर ई नाम के माध्यम से, उसमें मेरे को 1,25,000। तो ये आप मोबाइल फोन या कंप्यूटर का उपयोग करते हैं और उससे आप इतना बड़ा प्राप्त कर सकते हैं, यानी बिचौलिए गए, आपको एक बाजार बड़ा मिल गया, और उसका परिणाम यह हुआ है कि आपने इतना बड़ा परिवर्तन लिया। मैं साहू जी को सचमुच में बहुत बधाई देता हूं, उन्होंने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। एक तो मैं श्री चित्रसेन सोनकर जी को ड्रिप इरिगेशन को अपनाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। किसानों को खेत की सिंचाई में परेशानी ना हो, हर खेत को पानी मिले, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कम पानी, बूंद बूंद पानी से हम फसल पैदा करें। और मैं हमेशा से किसानों को टपक सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता रहा हूं। उससे मेहनत भी कम हो जाती है, खर्चा भी कम हो जाता है, उत्पादन भी ज़्यादा हो जाता है। आज कृषि सिंचाई योजना को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है और आज करीब 30 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई के अंतर्गत नई जोड़ी गई है। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़े, किसान के पास ऐसी व्यवस्था हो जो उसे देश के किसी भी मार्केट से कनेक्ट कर दें, इसके लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार
ई नाम की शुरुआत की गई है। गांव की स्थानीय मंडियों को होलसेल मार्केट से जोड़ने का काम हुआ है। पिछले 4 वर्षों में इनाम के तहत करीब करीब 225 करोड़ की राशि से राज्यों की 550 से रेगुलेटेड थोक मंडियों को इस ई प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया गया है। इस पोर्टल पर आज 100 लाख से अधिक किसान और करीब 1,10,000 व्यापारी अपना पंजीकरण करवा चुके हैं, रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इसे और आगे ले जाने के लिए ग्रामीण रिटेल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ग्राम के तहत सरकार देश के 22,000 ग्रामीण हाटों को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपग्रेड करने पर काम कर रही है। सरकार की कोशिश है कि अपने खेत के 5-6 किलोमीटर के दायरे में किसान के पास ऐसी व्यवस्था हो जो उसे देश के किसी भी मार्केट से जोड़ सके। आइए हम मध्य प्रदेश चलते हैं। जाबवा मेरा बड़ा पुराना क्षेत्र, परिचित क्षेत्र रहा है। जब भी हम दाहोद जाते थे तो जाबवा के लोगों को जरूर मिलते थे, तो मैं जाबवा के भाइयों बहनों से बात करना चाहूँगा। नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ बताइए। मेरा नाम संपा निनामा, मेरा गांव का नाम धमोई। और बैठिए बैठिए चंपा जी बैठिए। हाँ बैठ के बताइए, ये हाथ में क्या लगे आई हो? ये कड़क आदमी मेरे घर से लेके आई है। हाँ कड़कनाथ बसे मैंने घर पे पाल रखा और हमारे गांव में एक योजना आई। पहले मैं दाड़की जाती थी, अहमदाबाद दाहोद मैंने खूब दाड़की करी साहब, तो बसा बसी इसने पहले फिर हमारा साहब आया तो हमने एक योजना बताई कि कड़कनाथ बसे 40 बसे मेरे को दिए और साथ में खाने पीने के दिए, दवाई दी। तो अभी कितने कड़कनाथ है आपके करके पास? बड़े करे अभी मेरे पास 20 एक है साहब। अच्छा? सब बिक गए और अंदर भी अभी तुमने बाजवा तुमने जांबा वाला तो गुजराती बोलता आवड़ तू वैसे ने आवड़े ने साहब, गुजराती बोलते भी आवड़े। सही है साहब। और ये कड़कनाथ हमने जब पाला जब से हमारा पोजीशन, हमारी लड़कियां 5 लड़कियां है तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही और आवक भी हमारी बढ़ गई। अरे वाह, कितनी आवक हो गई? खाने पीने के हम चंपा जी कितनी आवक हो गई? 1 लाख की आवक हो गई साहब। अरे वाह, 1 साल में। वो तो लग रहा है आपने इतने गहने हमारे कड़कनाथ बिक रहे, इतने गहने पहने हैं तो लगता है कि आपकी आवक बढ़ गई है। तो पहले हम दाड़ के जाते थे, हमारी जिंदगी बदल गई साहब। अभी हमारे कड़कनाथ हमारे हाथ में आ गए तो हम यही धंधे कर रहे। अच्छा। और जमीन नहीं है हमारे पास। गाँव में और कितने लोग हैं जो कड़कनाथ के व्यापार में लगे हैं? और है, और हमारे गांव वाली महिला, गरीब महिला है नी, वो भी इसको भी मैंने समझाया। अच्छा? समूह का ग्रुप है, वो भी महिला घर घर कड़कनाथ पाल रहे हैं। कितने कितने हैं आपके ग्रुप में बहने? मेरे ग्रुप में 49 गांव है, पारा संकुल पारा झाबुआ जिला पारा। हाँ, समूह का ग्रुप है। चलिए और भी किसी से बात करेंगे जरा आज। नमस्ते सर, मैं नेहा राठौर। सर मेरे पास 1 हेक्टेयर जमीन है, उसमें हम लोग पहले टमाटर लगाते थे तो उत्पादन बहुत कम होता था, लेकिन फिर इस योजना के बारे में पता लगा, ड्रिप सर हमने ड्रिप लगाई तो उसके बाद हमारी सर टमाटर की पैदावार बढ़ गई और क्वालिटी भी बढ़ गई। सर पहले 5 क्विंटल होता था लेकिन अब 500 क्विंटल होता था। 500 क्विंटल नहीं सर, 500 क्विंटल होता था, अब 800 क्विंटल होता है। 800 क्विंटल हो रहा है। हाँ सर। तो इसमें सर हमको बहुत बेनिफिट मिलता है, मतलब ड्रिप से सर पानी भी बचता है और सर खरपतवार भी नहीं होता है। उर्वरक भी कम लगता था, पहले 6 बोरी लगता था तो अब 3 बोरी लगता है। आपको ये कृषि में कैसे इतना रुचि हो गई, कैसे आप इस काम में लग गई? सर सुना था इसके बारे में तो सर हमने गए और इस योजना का पता किया
तो सर फिर सर से बात हुई तो हो गया सर। तो आपकी पढ़ाई क्या हुई नेहा जी? सर मैंने ग्रेजुएशन किया है। अच्छा, आप खेती में लग गई? हाँ सर। देखिए हमारे किसान कैसा बदलाव ला रहे हैं, वे आधुनिक कृषि कर रहे हैं, वो मुर्गी पालन कर रहे हैं, वो कड़कनाथ से रुपये कमा रहे हैं, लोगों को कड़कनाथ से जोड़ रहे हैं। नेहा जैसी बेटियां ग्रेजुएट होने के बाद भी कृषि में जाने का मन करता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरक बात है। आइए और भी कुछ इसे सुनना चाहूँगा मैं। सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर मेरा नाम राजू अटीला है, मैं झाबुआ जिले के ग्राम गौसर का रहने वाला हूँ। तो राजू आदिवासी किसान। राजू तुम्हारी शादी गुजरात में हुई है कि मध्य प्रदेश में हुई है? मध्य प्रदेश में हुई है सर। अच्छा, क्योंकि छतीला लोग जो होते हैं वो ज्यादातर गुजरात में शादी करते हैं। सर मेरी तो मध्य प्रदेश में हुई है सर। अच्छा बताइए। सर मैं एक आदिवासी किसान हूँ जी। सर मेरे परिवार में 2.5 हेक्टेयर जमीन है और मैं सर 2.5 हेक्टेयर जमीन है सर, मैं और ग्रेजुएट मैंने किया है सर। अच्छा? और फिर भी मुझे नौकरी नहीं मिली सर, मैं बेरोजगार था सर। तभी मुझे सर कस्टम हायरिंग योजना का पता चला और मैं सर 14 लाख का प्रोजेक्ट लिया। ओ। और 50% मुझे सब्सिडी मिली सर। उसी से सर मैंने यंत्र खरीदे और उसी से मैंने यंत्र खरीदे, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, रोटावेटर, ट्रोली, सीड ड्रिल, थ्रेसर आदि यंत्र खरीद कर मैंने मेरे ही गांव में मैंने नाम हतीला जी आपको आते हैं मुझे नहीं आते सर मेरे ही गांव में मैंने केंद्र की स्थापना की और हर कोई किसान तो खरीद नहीं सकता है सर, यंत्र बहुत महंगे है सर। हाँ। तो पहले किसान बैलों से खेती करते थे, अब मैं उन्हीं यंत्रों को आसपास में मेरे 4-5 गांव में नए यंत्रों से खेती करने सिखा रहा हूं और मैंने किराए से चलाया है सर। तो सब किसानों को फायदा होता होगा, ये सब टेक्नोलॉजी ले आए, उसका आपका मशीनीकरण किया और टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में जितनी ज्यादा आती है फायदा होता है, लोगों को अनुभव हो रहा है, अभी फायदा हो रहा है सबको? हो रहा है सर, प्रतिवर्ष सर 25-30% फायदा हो रहा है सर। अच्छा, आपको कितना खुद को कितनी कमाई हुई? मुझे सर इन्हीं लगभग 2 सालों में सर मुझे लगभग आठ लाख का मुनाफा मिला है सर। अच्छा, पहले आप नौकरी खोज रहे थे, नौकरी मिली नहीं। हाँ। तो आप अपने पैरों पर खड़े हो गए। अब मुझे बताइए, आपको नौकरी मिलती तो अच्छा होता कि ये काम किया वो अच्छा हुआ? सर ये काम किया तो अच्छा मिला सर। अच्छा, बच्चों को पढ़ाते हो? जब नौकरी मेरे लिए थी और ये आसपास मेरे भाइयों के लिए भी सुविधा हो गई सर। देखिए आप स्वयं ग्रेजुएट हैं, बच्चों को पढ़ाते हो? अभी तो सर छोटे हैं। अच्छा। बच्चे 3.5 साल की लड़की है मेरे सर। जी चलिए और भी किसी से सुनेंगे। सर मेरा नाम रमेश भाई परमार है। सर नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम मुकेश खपड़े, झाबुआ का भगोड़ गांव का रहने वाला हूँ सर। मैं एक गरीब किसान हूं सर, आदिवासी क्षेत्र से, और मैंने सर पहले मैं खेती मजदूरी करता था, अहमदाबाद भी काम गया था सर। इसके बाद मैंने सर 2014 में मुझे कस्टम हायरिंग केंद्र मैंने भी लिया है सर, और मैंने सर आपकी सरकार ने मुझे 6,25,000 का अनुदान दिया है सर। मैंने इसी पैसे से ट्रैक्टर, ट्राली, कल्टीवेटर, सीड्रिल, प्लाव, रोटावेटर सभी साधन लिए सर मैंने। सर साधन लाने के बाद मैं 120 से 150 किसानों के बीच में काम करता हूँ 8 गांव में सर। सर मैंने पहले ही जो ये यंत्र थे कभी नहीं देखे थे सर, कि ये क्या है सर, रोटावेटर वगैरह ये क्या है, प्लाव क्या है। तो मैंने सर मोहल्ला बैठक के माध्यम से लोगों को बताया सर, और मैंने मेरे खर्चे से रोटावेटर ये मशीन क्या है, बोले ये लाए तो ये क्या है। तो मैंने सर किसानों को बताया सर, 8-10 किसानों को बताया, और मेरे पैसे से मैंने डीजल लगा के मैंने बाहर से मैंने मंगाया रोटावेटर, मुझे भी चलाना नहीं आता था। तो फिर सर उन्होंने चला के दिखाया, 1.5-2 घंटा चलाया, तो सर लोगों ने देखा उस खेतों में कि इसमें खरपतवार भी खत्म हो गए, जो छोटे छोटे बेर होते हैं काटेले झाड़ी वगैरह ये भी खत्म हो गए, बखर पाटा लगाना नहीं पड़ेगा, इसमें समतल बिल्कुल हो गया, बहुत अच्छे से लगा। लोगों ने ये सर देखा तो मैंने 800 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से फिर चलाया,
तो सर जैसे ही वहां से प्रचलन हुआ तो सर मुझे बहुत फायदा हुआ, 250 घंटा एक साथ में चला सर उसी सीजन में। कितना कमाते हो? फिर सर मेरा पहले तो 40,000 वार्षिक आई थी सर, अभी मैंने 3.5 साल में मैंने 10.5 लाख रुपए कमाया सर। अरे वाह। उन्हीं हाँ उसी पैसे से मैंने सर मेरा पर्सनल लेन देन था वो मैंने करा सर, मेरी जमीन भी गिरवी रखी थी वो मैंने छुड़वाया सर, और सर इन्हीं पैसे से मैंने बैंक किस्त भी भर रहा हूँ सर, और सर मैंने पैसे बचा के मैंने अपने से अपने क्षेत्र में नए यंत्र भी खरीदे सर, रेज बेन प्लांटर और उबड़ खाबड़ जमीन थी उसको जमीन लेवलर करने के सुपड़े वगैरह ये भी खरीदा सर मैंने। तो पहले पुरानी पद्धति से खेती होती थी सर, तो अब सर नई तकनीक से होने लगी, सड़ जाती थी गल जाती थी, पर रेज बेन प्लांटर हो क्या ऊपरी ऐसे करके ऊपरी भाग में खेती होती थी, पानी आराम से निकासी हो जाती थी। तो सर पर वीघा के हिसाब से देखे तो सर 3.5 क्विंटल पकता था सर, तो 5.5 क्विंटल पका सर ये मैंने। चलिए मैं जाबवा के सभी भाइयों बहनों को बधाई देता हूँ, मुझे ये देख करके खुशी हो रही है कि हमारी चंपा जी हो कड़कनाथ की फार्मिंग कर अपनी आय बढ़ाने में सक्षम हुई है। इससे आपके आसपास के गांवों के लोगों में भी मुर्गी पालन के लिए प्रेरित हुए होंगे। आज सरकार पशुधन डेयरी पोल्ट्री और मछली पालन को किसान की आमदनी बढ़ाने के स्रोत के रूप में देख रही है, इन्हें बढ़ावा दे रही है, और इसी का परिणाम है कि पिछले 4 वर्षों में मुर्गी पालन के तहत अंडे के उत्पादन में भी 25% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। ये अच्छी बात है कि आज हमारा किसान अपनी मेहनत में आधुनिक मशीनों और उपकरणों को भी जोड़ रहा है और इसका लाभ अपने आसपास के गांवों में भी पहुंच रहा है। देखिए मैं गुजरात में दाहोद जिले में बहुत आता था, जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी बहुत वहां काम करता था, तो जाबवा जिले में मेरा आना जाना बहुत सहज हुआ करता था। बस में आते थे और कभी कभी तो 2-2-3 घंटे बस नहीं आती थी तो घंटों तक वहाँ बैठे रहते थे, और मैंने वहाँ के किसानों की दुर्दशा देखी हुई है। जाबवा के किसानों की हालत मैं उस समय देखता था, सारे आदिवासी जीवन ज़्यादातर रोड का काम करने के लिए गुजरात चले जाते थे, मजदूरी करके काम करते थे। आज मैं जब सुन रहा था मेरे मन को इतनी प्रसन्नता हुई, क्योंकि जिस इलाके से मैं परिचित हूँ, जहाँ के लोगों से मैं परिचित हूँ, और उनके मुँह से जब ये सफलता की गाथाएँ सुनता हूँ, इतना आनंद हो रहा है। मैं सचमुच आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। आइए हम महाराष्ट्र चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी, मैं दिलीप नाफड़े जय सरदार शेतकरी उत्पादक कंपनी मलकापुर से आपका अभिवादन करता हूँ। सर पहले कुछ साल पहले हमें किसानों के लिए बहुत सारी समस्या थी और उचित दाम में उचित खाद नहीं मिलता था, दलालों से हम तंग आ चुके थे, बैंक का कर्जा भी नियमित नहीं मिलता था, ऐसी समस्या हमारी थी। उसी समस्या से लेके हमें मालूमात हुआ SFSC से किसान संगठन के बारे में, तो हमने SFSC से मालूमात लेके एक किसानों का 1,000 से ज़्यादा किसानों का एक संगठन किया और 1,000 किसानों का एक किसान जय सरदार किसान उत्पादक कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद में सर हमने वो किसानों से 1,000 रुपये शेयर्स हमने जमा किए। 1,000 रुपये शेयर्स उनके जमा करने के बाद हमारे 10 लाख रुपये जमा हुए। हमारे 10 लाख रुपये जमा होने के बाद SFSC नई दिल्ली ने हमें 10 लाख रुपये इक्विटी गारंटी दिए। ऐसे हमारे पास 20 लाख रुपये हमारे किसान संगठन के पास हमारे खुद के जमा हुए, और वो होने के बाद हमने FWWB अहमदाबाद फ्रेंड्स ऑफ वुमन वर्ल्ड बैंकिंग अहमदाबाद से 35 लाख रुपये का लोन लिया, और लोन लेके हमने हमारा कारोबार आगे बढ़ाया। वो कारोबार आगे बढ़ाते वक्त हमने शुरू में सॉइल टेस्टिंग से ज़्यादा काम करने का ख्याल लिया, सॉइल टेस्टिंग किया, उससे हमारे ख्याल में आया हमारे बहुत सारे किसान जो हमारे खेती में जो खाद की गरज नहीं है वो डालते थे, उसमें उनका खर्चा बढ़ता था, और सॉइल टेस्टिंग करने के बाद हमारे ख्याल में आया कि जिस
खेती में पोटैश की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वहाँ पोटैश डाल रहे हैं। 800 रुपए का एक बैग एक एकर में जा रहा, उसमें 800 रुपए की हमारी सॉइल टेस्टिंग से बचत हो गई है और उन्हें मालूम भी हो गई है कि ये खेती में हमें क्या लगाना है, कौन सा खाद देना है। ये बहुत बड़ा काम हमें वो सॉइल टेस्टिंग के इससे वहाँ हो गया है। दिलीप भाव, दिलीप भाव, तुमची सगळी मंडळी टोळीना माझे नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। कमाल केला आहे तुम्ही सगळ्यांनी। सर सर आइए, किसी और से भी बात करे जरा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मी अनिता योगेश माळगे बोरामणी सोलापूर हून बोलते। महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्प और आत्मा की तरफ से हमने पूरा यशस्विनी एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी डाले है और ये एफपीओ महाराष्ट्र में से फर्स्ट वुमन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है और हमारे कंपनी में 585 महिला है सर। और हमारे यहाँ हमारा शेयर भाग भंडवल 4,72,000 था और एमएसपी के तरफ से हमको 13.5 लाख का अनुदान मिला। इस वजह से हमारे यहाँ मेजर क्रॉप तूर है सर और वो तूर पर अभ्यास करके हमने क्लीनिंग ग्रेडिंग मशीन और डाल मिल का प्रोजेक्ट बनाया और इस प्रोजेक्ट के वजह से हमारे महिलाओं को काम मिला और शेतकरियों को जो उत्पन्न है वो डबल हो गया सर। और तूर जो डाल है सर, हम डाल बनकर फार्मर टू कंज्यूमर डायरेक्ट बेचते हैं सर और कंपनी के ब्रांड से बेचते हैं। काय नाव काय तुमचे? अनिता योगेश माळगे। वाह। डाल बेचते हैं और हमने केवी के सोलापुर की तरफ से सर हमको टेक्निकल सपोर्ट मिला और बीडीएन 711 जो वैरायटी है सर तूर का, इस तूर की वजह से किसान लोगों का जो शुरू में 4 क्विंटल पर एकड़ 4 क्विंटल जो मिलता था, अभी बीडीएन 711 और केवी के टेक्निकल सपोर्ट की वजह से 8 से 10 क्विंटल बढ़ाया सर उत्पन्न। इसलिए किसी जमाने में हमारा सोलापुर हमारे बुनकरों की जो हस्तकला कारीगरी है उसके कारण प्रसिद्ध हुआ करता था और आज आप लोगों ने एक कोऑपरेटिव मूवमेंट को किसान के साथ जोड़ करके ये नए नए आयाम को छुआ है। देश भर के किसान, सोलापुर के मेरे किसान भाइयों बहनों को सुन रहे हैं, यह बहुत खुशी की बात है कि अब किसान उत्पादक समूह एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाकर संगठित रूप में कार्य कर रहे हैं, जिससे कृषि से जुड़े सामान इनको कम कीमत पर मिलते हैं एवं संगठित रूप से कार्य करने पर इनको उपज के मार्केटिंग में भी मदद मिलती है। गत 4 वर्षों में 500 से अधिक किसान उत्पादक संगठनों का गठन हुआ है। वर्ष 2018 में बजट में केंद्र सरकार ने किसान उत्पादक कंपनी को कोऑपरेटिव की तरह इनकम टैक्स में, आयकर में छूट प्रदान की है ताकि किसान भाई संगठित होकर के अपनी कमाई में बढ़ोतरी कर सके। तो मैं सोलापुर के ये कोऑपरेटिव मूवमेंट को फेडरेशन के लिए सचमुच में बधाई देता हूं और देश के किसान भी सोलापुर के किसान से कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे। आइए हम कर्नाटक चलते हैं, कर्नाटक कृषि विकास केंद्र में आइए। ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಜಯರಾಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು, ನಮಸ್ಕಾರ ಜಯರಾಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಕುದುರವಳ್ಳಿ ವೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವನು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತೆಂಗು ಮಾವು ಅಡಿಕೆ ತರಕಾರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ 2016ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ಬೇಕಾದ ಏನು? ये आपके टेबल पे इतने बढ़िया बढ़िया फल दिख रहे हैं, ये आप परिश्रम के सुख ये दर्शन करा रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी साइज के फल आपने बनाए हैं। आप जरा ट्रांसलेशन कीजिए, क्या बता रहे थे जयराम जी? सर प्रणाम से सर, नमस्कार सर, मैं इनका हिंदी में अनुवाद करूंगा। जयराम जी बेटली गाँव से है, रामनगर जिले में है सर। इनका 6 एकड़ सिंचित भूमि है, बागवानी खेती करते थे सर सब्जियाँ और फलों की। उर्वरक ज़्यादा यूज़ करते थे सर, इसी के वजह से लागत ज़्यादा था, आय कम था। इन्होंने 2016 में
सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का जानकारी मिला सर। जब मिट्टी का परीक्षा करवाया तब पता लगा कि इनका जमीन के मिट्टी में पोषक तत्व का कमी है, ये पता लगे सर। आगे जयराम जी बताएंगे सर क्या किया उन्होंने। हाँ, मण्डु परीक्षे कार्ड बंद नंतर नम भूमियल्लि पोटाशो जिंक बोरान कोरते इदे अंत गोत्तायितु। अदन्न आ ओंदु इदन्न केविके अवर ओंदु इदर प्रकार नावु अदन्न बळसक्के प्रयत्न माडिद्वि। इत्तीचेगे नम्म भूमियल्लि उत्कृष्टवाद बेळे बर्ता इदे, आदाय इळुवरि जास्ति बर्ता इदे, आदायनू जास्ति आग्ता इदे अंत हेळक्के। सही मात्रा में उर्वरक इस्तेमाल करने के बाद इनका उपज बढ़ गया सर, खर्चा में कमी आया है, इसलिए इनका मुनाफा ज़्यादा हो गया है सर। इनका कहना है कि उन पहले 4 लाख खर्चा करते थे, आय मिलता था 5 लाख, अभी इसी 4 लाख में 7 लाख मिल रहा है सर। वाह, आइए सर ये खुद बताएंगे। हाँ कमला मजी नमस्ते सर। नमस्ते, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಮಲಮ್ಮ ಅಂತ, ಮಾಯಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಕು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ತೆ ಕಮಲಮ್ಮ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಬತಾಯಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲಿ 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನ್ ಇದೆ ನಮ್ದು. ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನನಗೆ ಫಸ್ಟು ಮಣ್ಣನ್ನ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ KVK ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡು ನಮಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನೇನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟು ನಾನು ವೀರ್ಯ DAP ಜಾಸ್ತಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಜಿಂಕು, ಬೋರನ್ನು, ಜಿಪ್ಸಮ್ಮು, ಆಮೇಲೆ ಎರೆಹುಳು ಘಟಕಗಳು ನಾನೇ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನೇ ನಮ್ಮ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಕಮಲಮ್ಮಜಿ ಏಕೆರೆ ಕಿ ಇನ್ಕ ಪಾಸ್ 10 ಎಕರೆ ಕಾ ಸಿಂಚಿತ ಭೂಮಿ ಹೈ ಸರ್, ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ಫಸಲೇ ಕರ್ತೇ ಇದೆ, ಲೇಕಿನ್ ಆಯ್ ಕಮತಾ ಸರ್. ಈ ಕಾರಣ ತಾ ಕಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಕಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಾ ಕರ್ವಾತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಉರ್ವರಕ ಜ್ಯಾದಾ ಯೂಸ್ ಕರ್ತೇ ಸರ್, DAP ವಗೇರಾ ಬಹುತ್ ಜ್ಯಾದಾ ಯೂಸ್ ಕರ್ತೇ ಥೆ. ಜಬ್ ಉನ್ಕೋ ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾ ಯೋಜನಾ ಕಾ ಬಾರೇ ಮೇ ಪತಾ ಚಲಾ, ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕರ್ವಾಯಾ ಇನ್ಹೋನೇ KVK ಔರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ, तब इनको पता चला सर इनका जमीन में सूक्ष्म पोषक तत्व का कमी है सर. बोरान, जस्ता और मैंगनीज जैसे उर्वरक यूज किया और उनका पास अभी वर्मिंग कंपोस्टिंग है सर, सारे जैविक खाद का भी वो कर रही है सर. इसी की वजह से इनका उपज ज़्यादा हो गया, आय में बहुत वृद्धि आ गया सर. इनका अभी कह रहे हैं कि 10 लाख तक आय आ रहा है साल में. वाह, और भी कोई बात करना चाहते हैं? ज्ञानमूर्ति. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ, ನಾಗಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ನನಗೆ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ಜಿ, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಗಳು ಹೇಗಿವೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ 3.5 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದೆ, ನಾನು ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡೋದು. ನಮಗೆ 2016 ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಭೀಮಾ ಫಸಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ನಮಗೆ 2000 ಅವಾಗ ಮಳೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಆಯಿತು. 2017 ನಮಗೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ದುಡ್ಡು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಬಂತು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮುಂದಿನ